मुख्यमंत्री व कांग्रेस के राष्ट्रीय महामंत्री हरीश रावत स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए उत्तरायणी एवं मकर संक्रांति के मौके पर खिचड़ी, मशरूम व पहाड़ी उत्पादों से तैयार व्यंजनों की दावत दी। इस दौरान पार्टी में आए सैकड़ों लोगों ने जमकर इसका लुत्फ उठाया। पार्टी में कांग्रेस के केदारनाथ विधायक मनोज रावत, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक और तमाम कांग्रेसी नेता शामिल हुए। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मकर संक्रांति व उत्तरायणी की बधाई देते हुए कहा कि उनके द्वारा स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन वर्तमान सरकार इन उत्पादों को लेकर ज्यादा सजग नहीं दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि इस पार्टी के लिए उनकी तरफ से सभी को निमंत्रण दिया गया था। हमारे उत्तराखंड वासियों को, देशवासियों को भी मकर संक्रांति के महान त्योहार के उपलक्ष्य में बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं उत्तरायणी की भी सब लोगों को, क्योंकि उत्तरायणी का त्यौहार भी है, लोहड़ी का भी त्यौहार है, तो उत्तरायणी के लिए, लोहड़ी के लिए और उत्तराखंड के घुघतिया त्यौहार के लिए भी सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई देता हूं। और इस त्यौहार का इस साल हम, क्योंकि उत्तरायण के साथ एक नया सूर्योदय माना जाता है, एक नए सत्र का सूत्रपात माना जाता है, प्रगति का प्रतीक माना जाता है, तो मैं भगवान भुवन भास्कर से, सूर्यदेव से प्रार्थना करता हूं कि हमारे राज्य के और देश की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आए और 2019 में और 19 से आगे भारत का सूर्य जो है आकाश में निष्कंटक भाव से चमके और हम सब उसके आलोक में गौरवान्वित हो सकें और आगे बढ़ सकें। तो इसमें सबको आमंत्रित किया था, मैंने मुख्यमंत्री जी को भी ट्वीट किया। हेलो उत्तराखंड न्यूज के लिए देहरादून से हरीश शर्मा की रिपोर्ट।